सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जब से एसएससीईडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती में आईटीबीपी को नोडल फोर्स बनाया गया है, तब से काफी ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक और नया बदलाव हो चुका है, आप सभी को बता दें लगातार चीजें यहाँ पे बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सभी को एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि खास करके हम रिजल्ट डेट और फिजिकल डेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। तो इससे पहले जिन बच्चों ने आरपीएफ के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, वो आरपीएफ की तैयारी भी अच्छे तरीके से करना चाह रहे होंगे, तो साथ ही में आप सभी जानते हैं कि 14 मई इसकी लास्ट डेट है, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो कर देना क्योंकि जो भी बच्चा एसएससी जीडी कांस्टेबल में एलिजिबल है वो आरपीएफ में भी रहेगा और आपको एक चांस मिल रहा है, उससे बेटर क्या ही ऑप्शन होगा। तो आप ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि ऑल इंडिया इस बार आपकी कट ऑफ लगेगी, तो हो सकता है कि आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाए, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रेलवे के 27,000 प्लस फैक्ट के साथ भाई खानसर की ये बुक आती है जो कि किरण पब्लिकेशन की आपको मिल जाती है। ये बुक आपकी सामान्य अध्ययन की आती है जो कि सार संग्रह के नाम से आप सभी को मिल जाती है। 1992 से लेकर 2022 तक ये सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के यहाँ पे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आपकी काफी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाती है आरपीएफ के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन की। वहीं पे आपको मैथमेटिक्स की भी बुक आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, इसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं रिटेल सॉल्यूशन के साथ चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको रीजनिंग के मिल जाते हैं चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, जिसमें 8,700 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ करंट पब्लिकेशन के। जीके को हम ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंस देंगे क्योंकि यहाँ पे वेटेज भी ज्यादा रहने वाला है, इसलिए यहाँ पे करंट पब्लिकेशन की वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान की बुक मिल जाती है जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आती है, तो आप सभी की जीके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो इन सभी बुक का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं या अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो आरपीएफ में फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, आपके पास बढ़िया चांस है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ज्यादा वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कम वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाता है, तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अप्लाई जरूर करो क्योंकि एज क्राइटेरिया भी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं और आपने एसएससी जीडी की तैयारी रिसेंटली की है तो आपको ज्यादा बेनिफिट उसमें देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो आप सभी को बता दें कि आप सभी की जो प्री बिड ओपनिंग है वो एजेंसी आपका फिजिकल कंडक्ट करवाएगी, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी हुआ था यानी कि निविदाएं जारी की गई थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो पहले भी एक कोरिजेंडम जारी हो चुका है जिसमें जो आपकी बिड ओपनिंग की डेट थी 29/4/2024 को बढ़ाकर 13/5/2024 कर दिया गया था। अब इस 13/5/2024 में भी बदलाव देखने के लिए मिले हैं और इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 10/5/2024 और इसे भी अब बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट कौन सी थी, 10/5/2024 इसकी लास्ट डेट थी और 10/5/2024 को ही फिर दोबारा से एक और इसमें कोरिजेंडम जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वो सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये 10 मई को आपका नोटिस जारी हुआ है जिसमें बिड सबमिशन की जो डेट है उसे बढ़ा दिया गया है, जो आपकी 10 मई थी अब उसे कर दिया गया है 20 मई 2024। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे बिड ओपनिंग डेट आपकी 13 मई 2024 थी, अब ये कर दिया गया है 21 मई 2024, यानी लगभग 8-9 दिन यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। अब आपकी जो बिड ओपन होगी यानी कि कौन सी एजेंसी इसके लिए हायर हो रही है जो कि आपका पीएसटीएन पीईटी कंडक्ट करवाएगी, वो आपको पता चलेगा 21 मई 2024 को। अब यहाँ पे ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट का जो इंतजार है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पे देखो पहली चीज तो ये है कि जैसे आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली पुलिस में भर्ती दिल्ली पुलिस को जल्दी कंडक्ट करवानी थी तो इसलिए एसएससी को जल्दी बोला कि आप जल्दी रिजल्ट जारी करो, तो एसएससी ने रिजल्ट को जल्दी जारी कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि एसएससी जीडी वाली भर्ती में यहाँ पे आईटीबीपी, ऐसे समझो कि आईटीबीपी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है क्योंकि इनके पास वो एजेंसी नहीं है जो पीएसटीएन पीईटी कंडक्ट करवाएगी, तो अभी ये प्रेशर ही नहीं डालेंगे एसएससी के ऊपर कि आप रिजल्ट जारी करो, क्योंकि जब आईटीबीपी की पूरी तैयारियां होती फिजिकल के लिए तो यहाँ पे प्रेशर डाल दे कि भाई आप रिजल्ट जल्दी अनाउंस करो। अब यहाँ पे क्या है कि एसएससी के ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है कि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करना है, एसएससी जैसे ही अपना रिजल्ट तैयार करेगी, तैयार करने के बाद ये कभी भी अपना रिजल्ट जारी कर देंगे, आप इस तरीके से समझो। अगर जब तक रिजल्ट तैयार नहीं होता है और 21 तारीख को उनके प्री बिड ओपनिंग हो जाती है और इसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सी एजेंसी हायर हुई है और ये एजेंसी कब तक फिजिकल कंडक्ट करवा देगी, तो फिर क्या है कि यहाँ पे आईटीबीपी इंटीमेशन भेज देगा एसएससी को कि भाई हमारा तब फिजिकल स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले हमारा रिजल्ट तैयार कर दो एसएससी जीडी का और उसे जारी कर दो।
ऐसे में दो चीजें हैं कि या तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि एसएससी के बाद जब भी रिजल्ट तैयार हो जाएगा एसएससी अपने आप जारी कर देगा, या फिर अगर रिजल्ट तैयार नहीं होता है तो आईटीबीपी जब वो फिजिकल के लिए तैयार हो जाएगी तब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। अब लेकिन आप ऐसे में ये बिल्कुल मत समझना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 7-8 दिन की मैक्स टू मैक्स बात है। आप ये समझो कि जो 13 तारीख को आ रहा है वो 15 तारीख को आ जाए, 15 तारीख की जगह 16-17 में आ सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे मैक्स टू मैक्स आप सभी का हो सकता है, बाकी का बहुत ज्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे आप सभी का जो एग्जाम था वो पहले 7 मार्च को खत्म हो गया था, फिर आई थिंक आप सभी का 30 मार्च को दोबारा से एग्जामिनेशन हुआ था, तो टाइम तो यहाँ पे एसएससी को पूरा मिल चुका है, यानी कि रिजल्ट हो सकता है लगभग एसएससी ने अपना कंप्लीट कर लिया होगा, तो एसएससी कभी भी उसे जारी कर देंगे। तो अब आपका पूरा कंप्लीट टाइम चल रहा है, तो आप ये समझ चलो कि रिजल्ट तो कभी भी अनाउंस हो सकता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है फिजिकल होना, क्योंकि आईटीबीपी जब तक एजेंसी हायर करेगी नहीं तब तक आपका फिजिकल होगा नहीं। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे इस चीज के लिए उतावले रहेंगे कि पहले रिजल्ट अनाउंस हो जाए, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं कि जब आपका रिजल्ट यहां पे जारी हो जाएगा तो रिजल्ट के बाद फिर आप एक ही चीज कहोगे कि भाई इतनी जल्दी फिजिकल क्यों हो रहा है, फिर आप कहोगे कि यहाँ पे फिजिकल के लिए टाइम दो, यानी कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब रिजल्ट चाहिए, और जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद फिर ये है कि फिजिकल में टाइम चाहिए। तो यहाँ पे अभी आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, फिजिकल के लिए जितना टाइम मिल रहा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, उसे वेस्ट मत करो, उसका यूटिलाइज करो और तैयारी करो, क्योंकि आपको सभी के पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है कि इस बार एसएससी जीडी में आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो आपका कॉरिजेंडम जारी हुआ है इसमें आपकी प्री बिड की जो लास्ट डेट है वो समिशन की जो लास्ट डेट है वो 20 मई हो चुकी है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप सभी की बिड की ओपनिंग जो डेट है वो 21 मई 2024 है, और उम्मीद है कि अब इसमें यहाँ पे आपको ज्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे तो देखो पहले यहाँ क्या था कि 10 मई 2024 को इसकी लास्ट डेट थी और ओपनिंग डेट क्या थी 13 मई 2024, तो ये 3-4 दिन यहाँ पे समय ले रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यू कॉरिजेंडम में कोई भी समय नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखो 20 मई 2024 लास्ट डेट है सबमिशन की, और अगले ही दिन प्री बिड ओपनिंग डेट यहाँ पे रखी गई है, यानी कि नेक्स्ट डे ही इसका कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी हायर हुई, तो डिले बिल्कुल भी होने की संभावना नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, क्योंकि ये चीजें हायर करने में या प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हमेशा टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि ये आईटीबीपी के हाथ में नहीं है, सामने वाली प्राइवेट एजेंसी है, तो उन्हें हायर करने के प्रोसेस में समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही एजेंसी हायर होगी उसके तुरंत बाद आपका फिजिकल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट जब भी अनाउंस हो आप बस अगली स्टेज के लिए तैयार रहिए। उम्मीद कर दूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, जो भी बच्चे पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।